ओके अब दोबारा से शुरू कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी चेक कीजिए। टुडे वी विल स्टार्ट विद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो जैसे मैंने कहा कि लेट एल एंड एम बी पैरेलल लाइंस एंड पी बी ट्रांसवर्सल एंड इन दीज प्रोसेस वी गेट फोर एट एंगल्स। हमने उनको नाम दे दिया एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। Now what you will see, these angle 1, 2, 7 and 8, these are called exterior angles। ये जो आपके पास outer में है ना 1, 2, 7, 8, these are called exterior angles and the angles 3, 4, 5 and 6, these are called इंटीरियर एंगल्स। और ये हमारे पास कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे जिनको हम यहां पे क्या करते हैं, चेक करते हैं, या जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, वन इज इंटीरियर, फोर एंगल्स आर इंटीरियर एंड फोर एंगल्स आर एक्सटीरियर, जिनको आप यहां पे चेक कर रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना बच्चे, कैसे कैसे रिलेशनशिप होंगे, फिर हम उनके बीच में फाइंड आउट भी करेंगे। तो अब मैं आगे मूव करता हूं बच्चे। नेक्स्ट एंगल होते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बच्चे होता है जैसे वन एंगल 1 and angle 5, These are called corresponding angles. यानी जिस लोकेशन पे एंगल 1 है उसी लोकेशन पे एंगल 5 है। नेक्स्ट कौन कौन होगा? एंगल 2 and 6। नेक्स्ट कौन होगा? एंगल 4 and 8। नेक्स्ट कौन होगा? एंगल 3 and 7। और इन एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे एंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी वी कैन से कि corresponding angles are always equal। यहां पे हम इनको डिस्कस करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर, देन इंटीरियर। और जिसकी मैंने अभी बात की तो उसकी हम उसमें मैं बोलने जा रहा हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चेक कीजिए कैसे। एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू 5, एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू 6, एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू 8, एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू 7, एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। ये आपके पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिनको हम इस तरह से डिस्कस करें। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टरनेटिव। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे अल्टरनेटिव एंगल्स, डिनोट कर देता हूं कि ये इनकी क्या है, फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। देखिए नाउ वी आर डीलिंग विद अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेटिव एंगल्स होते क्या है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से वाले? इंटीरियर एंगल। And in this interior angle, you will see कि आपको दिख रहा होगा angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 5. तो in this mathematical operation, angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 5, these are called alternative. और इन angles को हम always क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। ठीक, प्रूव भी करेंगे। ठीक, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखिए 4 and 6 अल्टरनेटिव, 3 and 5 अल्टरनेटिव, और साथ में क्या है? इंटीरियर। तो हम इनको नाम दे देते हैं AA की बजाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर वाले एंगल है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं,
एंगल वन एंड सेवन, चेक कीजिए एंगल वन एंड एंगल सेवन, एंगल टू एंड एंगल एट, ओके। तो इनको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ओके, एंगल वन एंड सेवन एंड एंगल टू एंड एट। हाँ, जहां तक प्रूव करने की बात है वो हम प्रूव करेंगे। दे आर कॉल्ड अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। फिर से सुन लीजिए, कौन से एंगल बोलते हैं हम इनको? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं जो अभी आपने किए। इंटीरियर जिनको मैंने रेड से डिनोट किया है, एक्सटीरियर जिनको मैंने क्या किया है, ब्लू से क्या किया है, दिखाया है। नेक्स्ट आइए, अब एक हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो आप सबको पता होगा, चलिए देखते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, टेल मी व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर, एंगल, वेरी गुड। अब चेक कीजिए, जैसे आप इसमें मत जाइए, सपोज कीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, हम इनको नाम दे देते हैं। दीज टू एंगल्स, दिस वन एंड टू इज वर्टिकली अपोजिट, दिस थ्री एंड फोर इज वर्टिकली अपोजिट, फाइव एंड सिक्स इज वर्टिकली अपोजिट, एंड सेवन एंड एट इज वर्टिकली अपोजिट। तो ये हमारे पास क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे। एक चीज बच्चे आपने और भी किया होगा, हमने यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में किया था, एंगल फोर प्लस एट इज इक्वल टू 180, एंगल टू प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। याद कीजिए, उसमें हमने कहा था कि इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो इन इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 180 होगा। और अगर ये 180 से क्या हुआ, 180 से क्या हुआ, लेस या ज्यादा हुआ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, उस तरफ लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये भी आपने किया हुआ था फर्स्ट फॉर्मेट में, ओके। अब आगे आइए जिन क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरी पहली थ्योरम आज की शुरू हो रही है बच्चे, इसको नोट कीजिएगा, ये आपकी बुक में भी है, इसको वैसे हमें पता है बट वी आर प्रूविंग इट। इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो हमने ये प्रूव करना है बच्चे कि जिनको मैं अभी अल्टरनेटिव बोल रहा हूं, तो हर एक अल्टरनेटिव पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारे पास पहली थ्योरम है, वैसे हमें पता है कि दे आर इक्वल, नाउ वी आर प्रूविंग इट कि हाउ दे आर इक्वल। क्योंकि हर एक चीज को जब हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, तो वी कैन से दैट दे आर इक्वल, बट कैसे इक्वल होते हैं वो अभी हम प्रूव करेंगे, ओके। तो चेक कीजिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं पहले दो लाइंस पैरेलल ड्रा आउट करूंगा, फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा आउट करूंगा, इनको नाम दे दिए जाएंगे जैसे भी हम नाम देते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू, दिस इज एंगल थ्री, दिस इज एंगल फाइव, एंड दिस इज एंगल सिक्स, एंड दिस इज एंगल फोर, बाकी भी आ जाएंगे एंगल सेवन एंड एट, ओके। अभी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से हैं, तो अब हम उनको प्रूव करने जा रहे हैं। पहली बात तो बच्चे ये बताइए, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि एंगल टू इज इक्वल टू फाइव, किस पोजीशन से कह सकता हूं, जल्दी से। वेरी गुड, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको मैं सीधा सीधा लिखूंगा VOA, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिखने की बजाय आप इतना लिखिए, ठीक। अब आइए दूसरा, अब कोई मेरे को यह बताएगा हाउ वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू 5। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स वी कैन से, वेरी गुड, कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स, वेरी गुड, वी कैन से दे आर कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स, दैट्स ग्रेट। अब एक चीज बचे देखिएगा, 2 इज इक्वल टू 5 एंड 1 इज आल्सो इक्वल टू 5, तो हेयर वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बोल सकते हैं ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, हम इनको इस तरह से इक्वल बोल सकते हैं। यस किरण, सर वो ऊपर से जब आप समझा रहे थे वो नेट प्रॉब्लम आ रही थी, वो दोबारा समझा दो। ओके ओके, कोई बात नहीं। दीक्षित, महादेव। यस सर। सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सर ये तो यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम जैसा लग रहा है, जैसे a इज इक्वल, हां तो हम उसी को यूज कर रहे हैं बच्चे। अच्छा यही है सर एक्सियम? नहीं नहीं, एक्सियम एंगल के बारे में नहीं था बच्चे, बट हमें ये पता है कि ये वाले एंगल होते हैं, हम उस रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, वी आर यूजिंग दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्ट्रा वर्टिकली अपोजिट एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमने अभी डिफाइंड किया था स्टार्टिंग में। ओके, और उनको यूज करके हमने एंगल 1 इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया, 2 प्रूव कर दिया। सिमिलरली बच्चे हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए कैसे शुरू करेंगे एंगल 3 और 4 को, तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी के साथ चलना है बच्चे आपने। लेट नहीं, ये होता है एंगल 3 इज इक्वल टू 6, ये कौन से एंगल है बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ फ्रॉम दीज टू वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके क्या होते हैं बच्चे, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। और एक और चीज देखिए, इसी थ्योरम का अपोजिट देखिएगा, ठीक, उसको हम बोलते हैं कन्वर्स। व्हाट इज द कन्वर्स, कन्वर्स में हमें दिया होगा बच्चे कि इफ टू लाइंस आर लाइक दिस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देम एंड देयर अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपको दिया है कि उनके अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो प्रूव दैट दिस लाइन एल इज पैरेलल टू एम। देखिए पहले क्या था, जितने भी एंगल्स बनते हैं वो किस लाइनों पे ऊपर बनते हैं, पैरेलल लाइंस के ऊपर, और हम यहां पे ये चेक करने जा रहे हैं कि अगर वो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक, अगर वो लाइंस क्या है, पैरेलल है। ओके, और उनके अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूव, सॉरी, अगर उनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो किस तरह से हम चेक करेंगे, बड़े सिंपल से तरीके से प्रूव करना है हमने कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, तो चेक कीजिएगा हम किस तरह से इनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, या किस तरह से एंगल को चेक करते हैं। कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम, इफ ट्रांसवर्सल लाइन दिस लाइन इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 लाइंस आर पैरेलल। यानी हमें ये दिया हुआ है कि अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं और हमें ये प्रूव करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम।
ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस कॉन्सेप्ट कि हम इनको कैसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे या किस तरह से इनको क्या रखेंगे, फॉर्मेशन में रखेंगे। तो स्टार्ट कीजिएगा। ओके, कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मेरी वीडियो और ऑडियो आ रही है बच्चे सबके पास? मैसेज करके बताइएगा प्लीज। हमने एंगल टू इज इक्वल टू किसके बोल दिया, थ्री के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, ये हमें दिया हुआ था अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। ये तो बच्चे ये प्रूफ हुआ कि ये जो हमारे पास एंगल्स हैं, चेक कीजिए ये क्या प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हो गया कि आपके पास ये जो एंगल वन है ये एंगल थ्री के क्या है, इक्वल है। एंगल वन इज इक्वल टू किसके है, और पहले हमने प्रूव किया था अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। बट बात आई आगे कि हाउ वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, कि हम इन लाइंस को कैसे पैरेलल कहेंगे। पैरेलल करने का बच्चे एक ही तरीका है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारे पास जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, मान लीजिए इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल फोर, कि एंगल वन प्लस फोर का सम कितने डिग्री के इक्वल है, टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री। तो वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो हम चलते हैं किस तरह से हम इसको फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चे देखिए अभी क्या हो रहा है, ये तो आप सबको पता है कि एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू किसके है, 180 के है, लीनियर पेयर है। और अभी अभी आपने डिफाइन कर दिया कि एंगल 1 3 के इक्वल है, तो इस 3 की जगह पे मैं एंगल 1 फिल कर दूंगा और चेक कीजिए एंगल फोर एंड एंगल वन इनका सम किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। और अगर ये सम 180 के इक्वल होता है तो वी कैन डेफिनेटली से कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और ये हमने यहां से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यस बच्चे सुनीता। सर जैसे कि आपने एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री आपने बोल दिया सर, इसके आगे वाला सर प्रोसेस में समझ नहीं आया, सर वापस बताना सर इसके आगे वाला प्रोसेस। इसके आगे वाला प्रोसेस बच्चे ये है कि जैसे मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू 3 बोला, तो आप सबको पता है कि एंगल 3 एंड 4 का सम, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, तो 3 एंड 4 का सम 180 के इक्वल होगा ना। ओके, अब मैंने 3 एंगल को किससे रिप्लेस कर दिया, एंगल 1 से, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। और एंगल वन और फोर एंगल का सम 180 होने का मतलब क्या हुआ कि ये इंटीरियर एंगल है। और अगर इंटीरियर एंगल का देखिए यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने क्या कहा था एक्सटेंशन में, कि अगर इनका दोनों का सम इंटीरियर एंगल का मोर देन 180 हो या लेस देन 180 हो तो ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, बट अगर इक्वल टू 180 हो तो इनका क्या बनेगा, पैरेलल होंगी। और हमारा इंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। अच्छा एक चीज और देखिए, ठीक ये वाली फॉर्मेशन आपके पास होगी, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक ये भी तो मैं तभी यूज कर सकता हूं जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, अदरवाइज तो मैं इसको क्या नहीं कर सकता, यूज ही नहीं कर सकता। ठीक, तो आगे आ रहा हूं इसमें। नेक्स्ट वाले में तो अब आपको जो मेन चीज चेक करनी है बच्चे,
वो ये भी हो सकता है, वैसे आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सपोज कीजिए एंगल ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ओके, और वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग देम, ठीक। तो आप चेक कर रहे होंगे एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री। तो ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंगल थ्री, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम पोजीशन आ जाएगी जो एंगल टू लाइंस में आ रही थी, वही किसमें आ जाएगी, अभी थ्री लाइंस में आ जाएगी, ओके। और एक चीज और देख लीजिए, अगर इसमें एक एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, फिर आपके ये टोटल 12 के 12 एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। मींस अगर इसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो सभी सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, फॉर्मेट में लेंगे, कि इफ वन एंगल इज 90 तो ऑल द रिमेनिंग एंगल्स आर 90 डिग्री इन दिस वन। तो अब बिफोर आई स्टार्टेड द क्वेश्चंस, मैं आपको जल्दी से कुछ नोट के साथ रिमाइंड करवा रहा हूं कि हमने किया क्या क्या है। तो फर्स्ट हमने एक बात की थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, दे आर इक्वल। दूसरी बात हमने की थी अल्टरनेटिव एंगल्स की, दे आर आल्सो इक्वल, ओके। तीसरी बात हमने की थी, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी होते हैं बच्चे, ठीक। और तीसरी बात हमने की थी जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड में हो, दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। और अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे। ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना रहा हूं, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंड एंगल एट। और चेक कीजिए बच्चे, ये लाइन एल इज पैरेलल टू एम है एंड व्हाट इज गिवन टू यू, एंगल फोर इज इक्वल टू 110, ये आपको गिवन है, एंड एंगल सेवन इज इक्वल टू 65। और हमें बताना है, फिर से देखिए ये पैरेलल नहीं दिए हुए बच्चे, हमें जस्ट दिया है कि एंगल फोर इज 110 एंड एंगल सेवन इज 65, और हमने इसमें चेक करना है कि वेदर एल इज पैरेलल टू एम। तो आपको मेरे को बताना है यस या नो, वेरी गुड। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, यस या नो, नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। चेक कीजिए बच्चे आप कैसे कह रहे हैं नो। देखिए इट्स वेरी वेरी क्लियर कि एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल फाइव, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और नेक्स्ट चेक कीजिए एंगल फोर एंड फाइव, दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, एंगल फोर एंड एंगल फाइव का सम चेक करूंगा कि दे आर इक्वल टू 180 और नॉट। अब आपके पास एंगल फोर 110 डिग्री है, एंगल जो फाइव है वो इक्वल टू सेवन है, दैट इज 65 डिग्री। और अगर मैं इनको देखूंगा तो इट बिकम्स 175 विच इज नॉट इक्वल टू 180। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, ओके। तो बिल्कुल एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जल्दी से, एक्स एंड वाई एंड एल,
ठीक, आपको क्या गिवन है बच्चे, एंगल x इज इक्वल टू 61 एंड एंगल l इज इक्वल टू 180. आपको फिर से बताना है क्या ये दोनों लाइंस l और m पैरेलल होंगी और नॉट. जल्दी से मैसेज करके बताइएगा यस और नो. ओके, वेरी गुड. चेक कीजिए, वी कैन से एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड व्हाट वी कैन से, एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स की वैल्यू है 61 और एंगल एल की वैल्यू है 180. अगर आप इनको चेक करेंगे बच्चे तो इनकी वैल्यू बन रही है 179 डिग्री, विच इज नॉट इक्वल टू 180. तो वी कैन से लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम. तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो रही है, वैल्यूज हो रही हैं कि दीज आर नॉट पैरेलल. ये क्या नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जिनमें हम पैरेलल को क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन. बिल्कुल अभी आपकी प्रैक्टिस ही करवाऊंगा बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम शुरू कर रहे हैं. दिस इज 2y एंड दिस इज 17 एंड लाइन l इज पैरेलल टू लाइन m. अभी आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो टेल मी द वैल्यू ऑफ y. तो आपके ऑप्शंस हैं 50 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री एंड 55 डिग्री. ओके, अभी आपके पास पोल आएगा, आपने उस पोल में अपने ऑप्शन फिल करने हैं. आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, फिल द आंसर इन द पोल. वेरी गुड, चेक कीजिए बच्चे. अब हम क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा, 110 ड्यू टू लीनियर पेयर एंड 2y एंड दिस एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो वी कैन डायरेक्टली से 2y इज इक्वल टू 110. तो y की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 110 अपॉन 2. सॉल्व कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 55 डिग्री. और चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया है, 64% कैंडिडेट ने डी लिखा है. गुड, ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन आ जाइए बच्चे, जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कुछ नहीं है, ये सिंपल स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन है. तो हेयर इज 5x माइनस 20, हेयर इज 2x माइनस 10 एंड इट इज गिवन टू यू दैट लाइन l इज पैरेलल टू m. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? Okay, and your options are 40 degree, 30 degree, 70 degree, 80 degree. Use the property and we will start it.
हाँ पोल आएगा बच्चे, अभी पोल में फिल करना आपने सबने। वेरी गुड, अभी बड़े कम लोगों ने आंसर किया है जबकि इसका आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड शिवम, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको और सी दैट। देखिए बच्चे, इफ दीज लाइंस आर पैरेलल तो आपको पता है कि ये कौन से एंगल है। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को? शाबाश, आप सारे अनम्यूट हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम लाइन ऑफ इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स। और इन इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता है? 180 डिग्री। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट। 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 180, 7x इज इक्वल टू 210 एंड x इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा बच्चे? 30 डिग्री। ओके, and you can check the poll. Here is the result for you. Okay, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या है, रिजल्ट है जो हमने अभी अभी क्या किया, डिस्कस किया। That's great. आगे मूव करते हैं बच्चे, इन questions में हम कैसे define करेंगे या किस तरह से इनको check करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं आपकी बुक से, चेक कीजिए क्या है। देखिए, वन लाइन इज गिवन टू यू, सेकंड लाइन इज गिवन टू यू, ठीक, एंड हेयर इज एंगल 135 एंड हेयर इज एंगल 40। ठीक, अब चेक करते जाइएगा जो मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। वो कह रहा है कि एंगल एल, सॉरी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एक्स। हमने इस एक्स एंगल की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से हम यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हम एक जस्ट लाइन ड्राउट कर रहे हैं बच्चे। देखिए क्या है, मैंने ये एक लाइन ड्राउट कर दी। देखिए, अगर मैं कहूंगा कि दिस लाइन पी इज पैरेलल टू एल, तो डेफिनेटली ये एम के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और एक चीज देखिए, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं वन और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं टू, ठीक। और जो वन एंड टू का सम है दैट इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप देखिए, आप वन को और टू को किस तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए, दिस वन एंड दिस वन इंटीरियर एंगल, तो एंगल वन की वैल्यू कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगी, 45 डिग्री के। और एक चेक कीजिए, एंगल टू एंड एंगल 40 दे आर अल्टरनेटिव, और अगर अल्टरनेटिव है तो एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 40 के। एंड 1 एंड 2 का सम किसके इक्वल हो गया बच्चे, 85 डिग्री।
दैट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर्मेशन. ओके, अगर किसी को समझ ना लगा हो तो वो मेरे से पूछ सकता है इस क्वेश्चन. किसी को भी ये लगा हो कि मेरे को ये चीज नहीं समझ लगी तो यू कैन आस्क मी. यस बच्चे तनु. सर वो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली मुझे ये पता नहीं चला कि यहाँ पर 45 कैसे आया, 1 इज इक्वल टू 45. ओके, एक चीज देखिएगा, आप इस पे फोकस कीजिए, इन दो एंगल्स पे फोकस कीजिएगा, बस इसी इसी पार्ट पे. ये इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है ना. अगर आपको ऑलरेडी एक एंगल कितने डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, 135 के, तो दूसरा एंगल अपने आप ही कितने डिग्री के इक्वल होगा, 45 होगा ना. ओके केशव कुमार, सात्विक. Sir, I was asking, how did you take angle number 2 as 40 degrees? Okay, check कीजिए बच्चे. एक हमने ये किया था कि if two lines are parallel and one line intersecting them, okay? तो हमने इसको क्या कहा था बच्चे, कि ये angles कौन से angle होते हैं? Alternative angles होते हैं. ओके और अल्टरनेटिव एंगल्स को हम ऑलवेज क्या बोलते हैं, इक्वल इक्वल बोलते हैं. दैट्स व्हाई उसी फॉर्मेट से हम इसको बोल रहे हैं. ओके सर. शुभम सर मुझे ये पूछना था कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं. दोबारा से पूछो सर. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं. ओके नहीं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तो नहीं बचे बताया मैंने. चलो ओके, पहले आपको पता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं? सर ये वाले जैसे 135 और जो 1 के साथ था वो वाला. हाँ, ये वाले जो एंगल है ना बच्चे, ये 180 क्यों होते हैं, आप ये पूछ रहे हो. सर नो, मेरा डाउट था कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होती है नहीं. ओके चलिए अभी हम बात करते हैं. पहली बात तो यह है बच्चे, इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं. ठीक, तो हम ये बात कर रहे हैं दिस वन एंड दिस वन. सपोज कीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. अब आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये एंगल 180 के इक्वल होते हैं या नहीं होते. तो इसके बारे में हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते कि ये 180 के इक्वल होंगे ही होंगे दोनों एंगल्स. ये तब हो सकते हैं जब ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल हो. अब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, अदरवाइज नो. अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन था, अभी आप ये कहेंगे बट दे आर इक्वल. ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसी फिनोमेना को हमने यहां पर क्या किया है, यूज किया है. शिवम सोलंकी. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, जल्दी से. सर जो मेरा ये क्वेश्चन था कि ऐसे आपने बोला ना कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, कि जो एंगल 40 है उसी को हमने अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कंसीडर करके हमने एंगल 2 को 40 दिया है. नहीं बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सर फिर इसके बदबूते में जिसे आपने लिया ना एंगल 1 और 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आपने कंसीडर किया है. यस सर, तो हम लोग पेपर में उसको ऐसे कर सकते हैं कंसीडर करके. बिल्कुल बच्चे, हम इसको 1 और 2 करके ही करते हैं. दैट्स द इजी वे. ओके ओके, थैंक यू सर. ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी वे है. ओके, एंगल 1 2 के नाम से अगर हम उनको कर लें तो इट विल बी सॉल्वड इन एन इजी वे. ओके, अब जैसे आइए, मैं आपकी बुक में से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर अप करते हैं. चेक कीजिए, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ये आपको गिवन है. ही सेड
दिस इज एंगल 50 डिग्री, दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल 127 एंड दिस इज y. एंड ही सेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y. देखिए कितना इजी चलेगा हमारे पास क्वेश्चन. हाँ जी, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, x की वैल्यू होगी 50 डिग्री. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? देखिए बिकॉज ये लीनियर पेयर है तो 180 से 27 को क्या कर दीजिए, सॉरी 127 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. ठीक, चेक कीजिए क्या आएगा, 53. तो ये एंगल हो गया 53. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द ट्रायंगल. इस इंटीरियर एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए. वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल, दैट मींस वाई प्लस 50 प्लस 53 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चे, 180 के. तो सॉल्व कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 103, यू विल गेट 77 डिग्री. हो जाएगा, दैट्स ग्रेट. और ये हमारे पास बच्चे एंगल थे ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर. इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट उसमें भी कैरी ऑन करेंगे. अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है. ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 थी.